हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। क्लास 12 की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पीपीएम, सांद्रता व्यक्त करने की एक यूनिट होती है पीपीएम। जैसे हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, मोलरता पढ़ा था, पीपीएम पढ़ा, और द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है मोल प्रभाज। सांद्रता पदों को व्यक्त करने की एक और यूनिट होती है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या है देखते हैं। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी कोई विलयन दो चीज़ों से मिलकर मिनिमम बना होता है। जैसे मान लीजिए एक विलयन है जिसमें एक पदार्थ तो हो गया जल आपका, और दूसरा पदार्थ कोई ना कोई अवश्य होगा, जैसे कि चीनी होगा या नमक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम दो पदार्थ तो होने ही होने हैं एक विलयन में, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो विलयन में उपस्थित जो पदार्थ हैं उनमें से विलेय के घटक, यानी जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बना है, उनके मोलों की संख्या। मान लीजिए चीनी, नमक और जल से मिलकर कोई विलयन बना है, तो हम कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय वह पदार्थ है जो अधिक मात्रा वाले पदार्थ में घोला जाए। तो अधिक मात्रा जल की होती है, जल में कम मात्रा में कोई पदार्थ मिलाया जाता है जैसे चीनी या नमक, तो ये हो गया विलेय। तो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों, मतलब विलयन में जो चीज़ें उपस्थित हैं, जैसे मान लीजिए चीनी और जल है, तो इन दोनों के मोलों की संख्या, उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, अर्थात किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। मान लीजिए कोई द्विअंगी विलयन है, मतलब कोई ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इस विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना है या विलायक का मोल प्रभाज कितना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। माना कोई द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन मतलब कोई दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ विलयन। मान लीजिए एक पदार्थ उसमें है जल और दूसरा पदार्थ है कि नमक, मान लीजिए इसे। तो दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो कोई द्विअंगी विलयन है तो उसमें मानते हैं हम कि विलेय पदार्थ नमक है, तो नमक यानी विलेय ब्रैकेट में लिख देंगे नमक के मोलों की संख्या स्मॉल एन है। किसी द्विअंगी विलयन में विलेय यानी नमक के मोलों की संख्या एन है, स्मॉल एन, और विलायक मतलब जिसमें ये नमक या चीनी जो कुछ भी है वो घुला हुआ है, विलायक जल में जैसे नमक घोला गया है इस विलयन में, तो जल के मोलों की संख्या मान लें कैपिटल एन है। अब मोलों की संख्या को हम एन से लिखते हैं। अब विलेय कम मात्रा में होता है इसे स्मॉल लेटर से लिख दिया एन से, और विलायक अधिक मात्रा में होता है इसलिए इसे हमने कैपिटल एन से लिख दिया। तो किसी विलयन में विलेय और विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम जानते हैं, क्या कहते हैं, मोल प्रभाज।
अब विलयन में हमें क्या कह सकता है कि हमें विलेय का मोल प्रभाज भी निकालना है या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, दोनों में से किसी का भी निकालना पड़ सकता है या फिर दोनों का भी निकालना पड़ सकता है। तो देखिए इसे निकालने का फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए हमें विलेय का मोल प्रभाज पता करना है, तो हम लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या तो विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, फिर विलेय के मोलों की संख्या नीचे भी दी हुई है तो विलेय के मोलों की संख्या यहाँ भी स्मॉल एन लिखेंगे प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या हम कैपिटल एन से लिखते हैं। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फार्मूला जिससे हम पता कर सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज। दूसरा फार्मूला, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज पता करना हो तो क्या करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज बराबर, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, जैसे यहां लिखा था विलेय के मोलों की संख्या, इसी तरह यहां हम कर देंगे विलायक के मोलों की संख्या, ऊपर कर देंगे विलायक के मोलों की संख्या और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या को जोड़कर लिख लेंगे और दोनों का अनुपात निकालने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, विलायक का मोल प्रभाज। तो जैसे जहां विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो वहां ऊपर के साइड में हम विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे और नीचे के साइड में विलेय और विलायक दोनों रहेंगे, फिर जब विलायक का निकालना हो तो ऊपर के साइड में विलायक के मोलों की संख्या और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो यहां विलायक के मोलों का प्रभाज निकालना है तो विलेय के जगह पर यहां कर देंगे क्या, विलेय जैसे यहां था विलेय वाले में, विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखी थी तो विलायक का ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे क्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। अब विलायक के मोलों की संख्या को हम लिखते हैं कैपिटल एन से, तो यहाँ लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन और नीचे फिर विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या को एक बार फिर से कैपिटल एन से और विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म मोल प्रभाज ज्ञात करने का विलायक का। अब मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम हल करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, नौ सौ ग्राम जल में 5.8 ग्राम घोले गए हैं, विलयन में 5.8 ग्राम ज्ञात कीजिए।
ब्रैकेट में लिख लेते हैं परमाणु, कुछ परमाणु द्रव्यमान, जैसे एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3, तो जब सवाल आएगा तो इसमें हो सकता है ब्रैकेट में ये दे दे एसीटोन का परमाणु भार, डायरेक्ट लिख के दे दे, या फिर इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दे दे, जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ऐसे लिख दे, हाइड्रोजन का एक होता है एक लिख दे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है 16 लिख दे। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या अणु भार किसी तत्व का। ये हो गया हमारा सवाल। अब हल करना है मोल प्रभाज ज्ञात करने का फार्मूला, हम जानते हैं विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का अलग अलग। तो देखिए पहले इसमें विलेय और विलायक कौन सा है, 900 ग्राम जल यानी जल अधिक मात्रा में है तो क्या हो गया ये हो गया विलायक, और एसीटोन कम मात्रा में है तो ये हो गया विलेय, एसीटोन हो गया विलेय और अधिक मात्रा में जल है तो जल क्या हो गया विलायक। तो हम विलेय विलायक ना लिखकर इसका नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो हम लिखें एसीटोन के मोलों की संख्या, अब जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे जो दूसरा पदार्थ है उसे भी, और जो पहला पदार्थ था उसे, दोनों को लिख लेते हैं। जैसे एसीटोन और जल दोनों हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, एसीटोन प्लस जल, मतलब एसीटोन और जल दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ लेंगे नीचे, एसीटोन प्लस जल के मोलों की संख्या। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके मोलों की संख्या निकालना है। तो मोलों की संख्या बराबर फार्मूला हम जानते हैं भार बटा अणु भार होता है, तो पहले एसीटोन के मोलों की संख्या निकालते हैं, एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर एसीटोन का भार बटा अणु भार। तो एसीटोन का भार सवाल में दे रखा है 5.8 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 5.8, और इसका अणु भार निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है CH3CO CH3। अब एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3, तो इससे हम इसका निकाल सकते हैं क्या अणु भार। ब्रैकेट में इसके परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं, कार्बन का होता है 12, तो इसमें 1, 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है यानी 12 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन कितना है इसमें, 3 और 3 6, तो 6 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो इसे 1 से गुणा करेंगे। फिर ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 1 16 यानी कि 16 हो गया, 12 3 36 प्लस 6 और 16, तो जोड़ने पर कितना आएगा ये 58 आएगा। तो अणु भार लिखेंगे इसका 58, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, इसे काटेंगे 58 1 58 और यहाँ आ गया 1 और 0 यानी कि 10, 1/10 आ गया, 1/10 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.1 आएगा। ये हो गया एसीटोन के मोलों की संख्या, एक बटा दस यानी 0.1, और दूसरा ज्ञात करना है हमें जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, जल का भार बटा अणु भार। तो जल का भार सवाल में दिया है कितना, 900 ग्राम, तो जल का भार की जगह पर हम लिखेंगे 900 ग्राम, और अणुभार जल का कितना होता है, इसका फार्मूला हम जानते हैं H2O होता है, तो 1H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2H है यानी कि परमाणु द्रव्यमान हो गया H2 का 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा H2O का परमाणु द्रव्यमान यानी आणविक भार कितना आया 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18। अब इसे जब हल करेंगे तो आएगा कितना, 18 5 90 यानी 50 आएगा ये। तो यहाँ से मिल गए जल के मोलों की संख्या। अब इसी फार्मूला पर हम रखेंगे इनका मान, जल के मोलों की संख्या और एसीटोन के मोलों की संख्या इसी फार्मूला में रखने पर
हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, एसीटोन का मोल प्रभाज। तो एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या, तो एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी आई थी, 0.1। यानी एसीटोन के मोलों की संख्या की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 0.1। ये हो गया एसीटोन के मोलों की संख्या। एसीटोन के मोलों की संख्या 0.1 बटा एसीटोन प्लस जल के मोलों की संख्या। तो एसीटोन के मोलों की संख्या एक बार फिर वही 0.1 और जल के मोलों की संख्या कितनी है, 50। तो 0.1 ऊपर तो ऐसे रहेगा और नीचे कितना होगा, 50 में 0.1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50.1। अब यहाँ 0.1 अंक बाद, यहाँ 0.1 अंक बाद, 0.1 को हटाएंगे, 501 से 1 को भाग करेंगे तो जो आएगा वही होगा एसीटोन का मोल प्रभाज। तो 501 से 1 को भाग करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 यहाँ भी, यहाँ भी, 10 यहाँ, 10 यहाँ। तो 501 इक्के 501 बचा कितना, 499। 0.1 लगाए, 10 फिर यहाँ बढ़ाएंगे तो फिर से 9 बार जाएगा ये, 9 1 9 9 0 0 9 25 45। घटाएंगे तो ये आएगा 10 - 1 यानी 9 8 4, 489। 0.1 लगाए, फिर 10 बढ़ा सकते हैं, फिर ये 9 बार ही जाएगा तो 9 बार में कितना आया था, 4501। तो 4501 एक बार फिर आएगा। अब ये 0.1 के 3 अंकों तक, 5 अंकों तक लगभग हो गया, 199 इसे हम लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। कितना आ रहा है, 0.00199। ये हो गया एसीटोन का मोल प्रभाज। 199 आता है अगर, तो इसे हम अगर सार्थक अंकों में ले जाएं और नज़दीक थोड़ा, तो 0.002 भी लिख सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज बराबर, यही फार्मूला फिर अपनाएंगे, जल का मोल प्रभाज बराबर, जल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। तो जल का मोल प्रभाज कितना आया था, 50, तो इसके मोलों की संख्या हो गई 50 बटे जल प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या नीचे कर देंगे, तो जल का मोल प्रभाज 50 और एसीटोन का मोल प्रभाज फिर एक बार 0.1 ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50 बटे 50.1। 0.1 हटाएंगे तो 10 यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, तो 501 से 500 को हमें भाग देना है एक बार, 501 से 500 को भाग देंगे तो एक अंक कम है, 0.1 लगाकर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 बार जाएगा ये, तो ये आएगा 4509। घटाएंगे फिर इसे, चार सौ 491, 0.1 लगा है, 0 उतार देंगे, फिर वही 4509। फिर एक बार 0 उतार लें, 5 8 कितना होता है, 40, यानी 8 1 8, 8 0 में 0 8 5 40, 4008 यहाँ पर बचा 2। अब यही लिख सकते हैं हम 0.998, 0.998। ये हो गया जल का मोल प्रभाज, या फिर इसे 998 लिखा है, लगभग 1 के बराबर है, यानी 0.1 भी लिख सकते हैं, सॉरी 0.1 नहीं 1.0 लिख सकते हैं, या 1 लिख दें।